हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शो दिल से वाह। आज मैं बात करूंगा इंडिया को होने वाले ह्यूमन कैपिटल के लॉस के बारे में। कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन के बारे में भी कहते हैं, लेकिन जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं तो मेरे को एक यूएस की बड़ी कॉमन सेइंग जो है वो याद आती है कि इफ़ यू नीड ऑयल टेक इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक गुड टीवी टेक इट फ्रॉम कोरिया, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक गुड कार्स टेक इट फ्रॉम जापान एंड जर्मनी, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक गुड विस्की टेक इट फ्रॉम स्कॉटलैंड, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक स्मार्ट ब्रेन्स टेक इट फ्रॉम इंडिया। तो ये है इंडियंस की वैल्यू। आज की डेट में सिलिकॉन वैल्यू में बड़े बड़े आईटी कंपनीज, वर्ल्ड रेनाउंड आईटी कंपनीज में ज़्यादातर हो रही जो डेवलपमेंट है वो इंडियन ब्रेन्स ही हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ठीक है कि गलत है, इसके बारे में डिबेट हमेशा, चर्चा हमेशा चलती रहती है, तो इसके कुछ पहलुओं को आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरी सोच यहाँ से शुरू होती है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ दैट वेदर यू आर कैपिटलिस्ट इन नेचर और सोशलिस्ट। क्या मतलब है कि आप कैपिटलिस्ट मतलब मनी अर्न करने के, मटेरियलिस्टिक गेन के या लग्जरीज के कितने शौकीन हैं और आपकी लाइफ उसके अराउंड घूमती है, या दूसरी तरफ आप कितने सोशलिस्ट हैं, आप कितने अपने आप को समय देते हैं, कितना अपने परिवार को समय देते हैं, कितना अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को समय देते हैं, कितना अपने स्टेट को, कितना अपने देश को समय देना चाहते हैं, बिकॉज इसी से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री में आप रहने वाले हैं। इंडिया में सोशलिस्ट सोच ज़्यादा है और इंडिया में रहने वाले लोग सोशलिस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन जो लोग कैपिटलिस्ट के अराउंड रिकॉर्ड रहते हैं वो बाहर सेटल होना चाहते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो मेरे को जो एक कारण लगता है वो ये कि क्रिएटिविटी कोशेंट जो है वो इंडिया में थोड़ा सा कम है। वहाँ पे जो लोग बात करते हैं इनोवेशंस की, इन्वेंशंस की, उसके बाद पेटेंट्स की, अपना एंटरप्रेन्योरियल सेटअप की, अपने स्टार्टअप्स की, वहीं इंडिया में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वहाँ स्टूडेंट्स बात करते हैं कैंटीन में बैठ के चाय पीने की, शाम को मूवी देखने की, दोस्तों के साथ गपशप करने की और बहुत सारे टूर्स करने की। तो हमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ, रिसर्च की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ और स्टार्टअप की तरफ जाना पड़ेगा, तभी जो हमारा देश है वो इसका बैलेंस बना के हम सबको यहाँ पे रखने में सक्षम होगा। अगर डेटा देखें तो 90s के दशक में 70 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो एब्रॉड सेटल थे, और आज की डेट देखें तो ये 2 करोड़ के करीब, 180-190 मिलियन पीपल आर सेटल्ड एब्रॉड, और उनको अब NRI नहीं कहते, उनको NRI में नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं कहते, नॉन रिटर्निंग इंडियंस बोलने लग गए हैं। और तो और, हमारे 10th के और 12th के 50% से ज़्यादा टॉपर जो हैं एब्रॉड सेटल हो रहे हैं। 23,000 के करीब हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स यानी मिलियनर्स इंडिया के, वो भी अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में ठीक है कि गलत है, इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के एंटरटेनमेंट पार्ट में आइए देखते हैं कि सोसाइटी में से, हम में से ही कुछ लोग इस ब्रेन ड्रेन को, ह्यूमन कैपिटल को बाहर भेजने के लिए किस तरह के जोड़ तोड़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी द एंटरटेनमेंट पार्ट। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, की हाल चाल? मैं ठीक है, सत श्री अकाल। पहचानना मेरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल करते हो, अभी तो मैंने आपको सत श्री अकाल बुलाई है। अच्छा, चलो इंट्रोड्यूस माइसेल्फ। माइसेल्फ रंगीला, रंगीला ट्रैवल एजेंट, जो आपके जिंदगी में रंग भर दे। ओ, ट्रैवल एजेंट, तो लोगों के वीजे वूजे भी लगवाते हो कि बातें बूतों में चला देते हो काम? हमारा वीजा इतनी जल्दी आ जाता है ना, उतनी जल्दी किसी को गोल पंगुड़े पे उल्टी नहीं आती जितनी जल्दी हमारा वीजा आता है। उतनी जल्दी उतनी तेज, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चोर को मिलने में चपेड़े नहीं पड़ती जितनी जल्दी हमारे वीजे पे मोहरें लगती हैं। वो देखते हैं रंगीला ट्रैवल एजेंट का बंदा है तो ओके होगा, लगा दो वीजा। मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके 1 रुपये चला है, 2 है, 3 है, 10 रुपये चले आपके पासपोर्ट पे, आप पासपोर्ट मेरे पास ले आइए, मैं आपकी आंखों के सामने वो पासपोर्ट फाड़ दूंगा, क्योंकि उस पर तो वीजा लगेगा नहीं, नया पासपोर्ट बनाएंगे उस पर वीजा लगेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं अपना काम ना अपने बेटे को भी सिखा रहा हूँ। अच्छा बिट्टो, तो मिलाओ उससे। मिलना, बुलाता हूँ बार बना। बिट्टो, डैडी जी, तो बेटा आपको पता है सर जी, मेरे डैडी बहुत चलाक है, इन्होंने ट्रैवल एजेंसी तो खोल ली पर ये खुद हमको आज तक कभी चिंतपूर्णी नहीं लेके गए। ओ बिट्टू यार,
झूठ बोलते हैं, इन्होंने ना मेरे को नानी के घर भेज दिया और मेरे पीछे से ना इन्होंने मेरी जायदाद का एक और वायरस पैदा कर दिया। अब तो ओ वायरस नहीं वायरस होता पर मेरे लिए तो वायरस ही होना जड्डी जी। चलो जाने जाने में तुम्हें जो भी इन्होंने कह दिया पर तुमने सच बोल दिया कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। हाँ, मेरी मम्मी भी इनको पता क्या बोलती है, चल झूठे। यार वो तो मजाक करती है, काम अपना एक नंबर ओके है जी। डड्डी जी आज तो बाहर रश लगा पड़ा है, रश लंगर होगा या लंगर ले गया। हाँ डड्डी जी ये लंगर वाला रश नहीं है, ये हमारे कस्टमर का रश है। मैं बुलाक के लाता हूँ डड्डी जी। मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि बाहर जाने का डिसीजन सोच समझ के लेना और आप सबको बाहर भेजने की तैयारी में हो। पहला पैग लाके पावा अखा विच अखा, दूजा पैग लाके गोडा कौन उत्ते रखा, तीजा बस दो होता तीजा में ना करें परमात्मा दा। ए तो दाल चुन खा के ऊपर ही उल्टी कर देंदे ने बेटा। ए ट्रैवल एजेंट नहीं 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 ए दलेर मंडी में अच्छा तुनक तुनक। हाँ और मैं नेहा कक्कड़ू, हम लोग यहाँ पे अखाड़े लगाते हैं। अच्छा जो भी लाना लाओ, मैं कह रहा हूँ हनीमून के लिए कोई अच्छा सा पैकेज देखो यार। अच्छा 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 पैकेज देखना गा के बेटा। डैडी जी अब भी बताता हूँ मैं, अशीमा देखो जी हमारे पास ना बड़ी अच्छी पैकेज है, हम आप जो भी हमसे पैकेज लोगे ना हम आपको उसमें होटल देंगे, होटल के बीच में बढ़िया सा रूम देंगे, उसमें खाना देंगे, फिर आपको साइड विजिट भी देंगे, इतनी सारी फैसिलिटीज हम आपको देंगे। और बीवी हाँ वो भी देंगे। हाँ नहीं 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 बीवी तो पापा देंगे। अब बीवी कैसे दे सकते हैं यार, बीवी नहीं दे सकते हैं। पापा कस्टमर बीवी दे दो पापा। ओ बेटू मेरी बीवी तेरी मम्मी लग गई यार। अच्छा अच्छा नहीं नहीं मेरी मम्मी नहीं, वो मेरी मम्मी तो खुद हनीमून पे गई हुई है। ओ मैं यहाँ पे हूँ, वो किसके साथ चली गई यार। नहीं पहले गई हुई है आपके साथ। ठीक है बात वाली लाइन पहले बोला करना यार। गलत गलत, पैसा मेरा टाइम मेरा बीवी भी मेरी गलत है यार। हनीमून पे सब ऐसे अपनी बीवी साथ में लेके जाते हैं। बीवी है आपके? हाँ बीवी है मेरी। कहाँ है? और चुन्नू और मुन्नू की मम्मी आया। कमांडो कमांडो आप कह रहे थे आपका हनीमून नहीं हुआ, अब चुन्नू मुन्नू कहाँ से आ गए? चुन्नू मुन्नू के लिए हनीमून करना कोई जरूरी थोड़ी है। यार ये कौन सी आंसर डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहुत स्मार्ट है डड्डी। भाई 10 साल हो गए मैंने इसको, लेकिन हनीमून मनाने का टाइम नहीं लगा यार। यार पता नहीं कौन सी चीज का नाम हनीमून रख लिया इन्होंने। आजा पागल बेवकूफ बदतमीज इंसान, बताया कितने टाइम मौत पड़ जाती इनको, ये लीजिए पूरे 2 रुपए है। भैया पागल ने ठंडा हो भैया, आप तो बैठो बने। तो ये आपकी बीवी है? देखो जी बकायदा मेरी बीवी है। आपने इकट्ठे जाना है कि अलग अलग जाना है? भाई अगर अकेला जा सकता तो अकेला में। कैसी बातें कर रहे हो आप, इनके साथ ही जाऊंगी मैं। बहन जी आप गलत समझ रहे हो, कई बार लोग कह देते हैं हमको अलग अलग विंडो सीट चाहिए, तो फिर अलग ही बैठाना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे तो विंडो सीट चाहिए। बिट्टू है को विंडो सीट? विंडो सीट डैडी जी मिल जाएगी विंडो सीट मैडम जी, आपके लिए बहुत अच्छी विंडो सीट है, बिल्कुल जहाज के बाहर है। और जहाज के अंदर चाहिए बिट्टू? तो सॉरी सॉरी डैडी जी, हाँ आपको मिल जाएगी जी हमारे पास दो। एक काम करना है, जिस विंडो सीट पे बिठाओगे ना उससे जहाज से धक्का भी नहीं देना। तो भाई साहब आपने हनीमून दरख्तों के साथ मनाना है, क्या बातें कर रहे हो यार। तो साथ ले जाना पड़ेगा ना भाई साहब, आप ये बताओ अपने जाना कहाँ है? रंगीला साहब हमें ना बैंकॉक में। बैंकॉक बेटो मैं बताता हूँ डैडी जी, और ये तो वही बात होगी कि हमको ना जी कोल्हापुर जाना है, पर संतरे हम अपने घर से लेके जाएंगे। गुड एग्जांपल बेटो। थैंक यू डैडी। मैं आपको बैंक ही बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। 1 लाख रुपया स्विट्जरलैंड का। नहीं 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 भाई साहब। ओह नो। 1 लाख तो बड़ा ही ज्यादा है। 80,000 रुपया केरल। नहीं। चलो 60,000 में गोवा। गोवा?
तुम्हारे अस्पताल में भी गोवा, यहाँ भी गोवा, वहाँ भी गोवा, मुझे नहीं जाना। मैडम जी वो आपके दिमाग में भरा हुआ है जो आप कह रहे हो। मैं वो गोवा की बात नहीं कर रहा, पंजी गोवा की बात कर रहा हूँ। बीच मुझे नहीं जाना। चलो 10,000 रुपया शिमला। नहीं नहीं पैसे अभी बड़े ज्यादा, पैसे अभी भी बहुत ज्यादा है। पैसे ज्यादा है तो ऐसा करो, जलंधर बस स्टैंड के बिल्कुल सामने गोल्डन ईगल करके होटल है, 15 रुपए कमरा है, मगर रेट की टेंशन आपकी होगी। रंगीला साहब ये गलत बात कर रहे हो आप लोग, पैसे है हमारे पास 5,000, बस हमें ना चंडीगढ़ का एक बढ़िया सा बुक करा देते हैं। 5,000 में चंडीगढ़, 2 रात 2 दिन। ओके जान जान, खाना भी मिलेगा? एक खाने में बताओगे क्या क्या मिलेगा? खाने में ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। दही मिलेगा? दही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दही में बूंदी मिलेगी? नहीं बूंदी में आएगी, बूंदी सब कैंसल। अगर दही नहीं, दही में बूंदी नहीं तो हनीमून कैंसल। चल पागलों ने, चलो अभी नहीं मनाना हनीमून, अभी फिर कदम मैं डड्डी बुलाता हूँ, हमारा 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 एजेंट वाला चलेगा काम सारा। एजेंटा बार लगा देवे मैं मिंता तेरिया कर दी तीरी रीरी री तीरी रीरी तीरी रीरी री तीरी रीरी। अंकल जी नीचे गिर था, गर्म हो जाता बेटा। जाहो डैडी। ये छड़कने छोड़ी, ये कौन है? डैडी आपने इनको नहीं बजाना सच में? बता बता बता। ओ ये तो कौन है? मैं बताता हूँ, ये पकड़ा मुझे, पता है कितना महंगा है? डैडी मेरे को नहीं पता कौन है। बेटा यही रहना। Who are you? एक बार फिर से हंसना। 1, 2, 3, 4 डैडी, 4 कीड़े लगे इनकी दांतों में। ए आप ही हो एजेंट जी? जी मैं ही हूँ रंगीला एजेंट, आपके जिंदगी में रंग भर दूँ। मैं वही रंग भरने आया हूँ, मुझे बाहर भेज दो। बाहर बाहर से तो आप आए हो। अरे वो वाला बाहर ये हम नहीं भेजते। अरे भाई बीजेपी मोहर तो तुम ही लगवाते हो। फॉरन वाला कनाडा वगैरह जाना है। अच्छा सीधा बाहर जाना है। बेटा शक्ल से तुम पढ़े लिखे रख रहे हो, हमारे पास कैसे मतलब? देखिए सर, मैंने ना 4 मास्टर डिग्री की है, पर यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कोई जॉब ही नहीं लगती, कहीं नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, सीधे तरीके से आप बाहर ही नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, तो इसलिए मैं सिंगर बन गया। अब सिंगर बन के बाहर जाना चाहता हूँ जी। गाना जाना आता है? हाँ जी हाँ जी आता है जी, सुनाओ। ब्लू है पानी 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 पैसे कितने लगेंगे? पैसे 25-26 लाख रुपया लगेगा अमेरिका का, जाना है तो बताओ। अरे किडनी भी खुवाओगे क्या? बेच दो छोटे, बेच देंगे। चलो ठीक है फिर, चलो पहुंचो। पक्का रहा है? पक्की बात है, मेरे डैडी कभी झूठ नहीं बोलते। पैसे ले ली जाओगे बाहर इनसे? आजा बिट्टू फिर पैसे ले। फिर पैसे मिलता हूँ जी मैं, जहाज तैयार रखिए। डैडी मैंने बुला लिया। गंडा गंडा आजा डैडी अच्छा लग रहा है। नमस्ते अंकल, अंकल बाहर जाना है। बाहर जाना है बिट्टू? तेरे को बाहर जाना है? चल बाहर।
चंद बार सिंपल सी बात के लिए भी हमारे पास आया कि बाहर जाना है, तू बाहर चल जा। ओ अंकल जी दूसरे वाला बाहर जाना है। चले जाना वो पीछे बाथरूम में ना, वहां पे चले जाओ बेटा, दूसरे बाहर जाना है दुकान में बेटा। जाओ उधर से, वहां से लेफ्ट होके। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है पेट की, अंदर गुड़ गुड़ होती रहती है उसके। फॉरन जाना है फॉरन। चले जाओ बेटा, यहाँ पे पेंट गंदी मत कर लियो। जल्दी है तेरे को फॉरन जाना, तो जल्दी जाओ। बिट्टू भाई बात सुनो भाई, फॉरन जाना है, बाहर जाना है, कनाडा। ओह ये कह रहे कनाडा जाना है। कनाडा बिट्टू देख इसकी शक्ल है कनाडा वाली, को पूछ उसको बताया किसी ने कनाडा किसी जगह का नाम है। मैंने बताया तेरे को कनाडा के बारे में। नड्डी मेरे को तो इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है ये तो कभी गढ़शंकर के आगे भी नहीं गया होगा। वो कहाँ है बेटा? नड्डी अपना घर है। ओ बेटा बैठ बैठ बैठ, सिट सिट। बाहर जाना है, फॉरन कनाडा जाना है, तो पढ़ाई करिए। हाँ जी हाँ जी अंकल जी, मैंने अभी फ्लश टू की है, फ्लश टू। फ्लश टू? ओ ये कहाँ होती है फ्लश टू? अंकल जी वो टेंथ के बाद जो होती है ना, फ्लैश टू। डैडी मैं समझ गया, मैं समझ गया डैडी जी, आप होशियार बेटा समझ गया। डैडी ये टेंथ के बाद वाली फ्लैश टू मतलब प्लस टू की बात कर रहे हैं। प्लस टू के बाद गॉड गॉड जी बेटा अंग्रेजी बोलने आती है? हाँ जी हाँ जी अंकल जी, अभी मैंने टॉयलेट का पेपर किया है। क्या टॉयलेट का? यार तेरी हर गल फ्लश टॉयलेट पे क्यों खत्म होती है? अंकल जी वो जो इंग्लिश बोलने के लिए टॉयलेट का पेपर किया है। डैडी मैं फिर से समझ गया, आपका सियाना बेटा फिर से समझ गया। अच्छी डैडी, डैडी ये बोल रहा है कि इंग्लिश का टॉयलेट का पेपर मतलब आइलेट्स का पेपर किया है। आइलेट्स किया है? ठीक है गोटे गोटे, तूने बाहर जाना है। बिट्टू कौन सी कंट्री भेजे यार इसको? इसको हम भेज सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारी कंट्रीज हैं डैडी, पर इसकी शक्ल देख कर जापान भेज दे। जापान? लेकिन जापान क्यों? वहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं ना इस बार। हाँ तो तुम क्या वेट लिफ्टर में भेज देते हैं इसको? डैडी इसको डैडी एक बार आप इसकी बाह में तो देखो। इसको तो देख के लगता है इसने तो वेट ही नहीं उठाया। ओ कोई बात नहीं बेटा, जो जा रहे हैं वो कौन सा उठा पा रहे हैं। गुड वन डैडी जी। चलो जापान रहने देते हैं, इसको सीरिया भेज दे सीरिया। वो क्यों डैडी जी? बेटा इसमें आयरन की कमी है, वहाँ पे गोलियां गोलियां लगती, शायद आयरन पूरा हो जाए। डैडी जी यू आर सो फनी डैडी जी। बाहर जाना कोई बात नहीं बेटा, भेज देंगे तेरे को अपना पासपोर्ट। दे अपना दे दो जी। पासपोर्ट तो नहीं है? पासपोर्ट नहीं है? कोई बात नहीं अपना आधार कार्ड दे दे। नहीं आधार कार्ड भी नहीं है? आधार कार्ड भी नहीं है? कोई बात नहीं अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा? नहीं नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। अच्छा सब कुछ छोड़ो, अपना अपना वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे दे। वो भी नहीं है? या ना तेरे पास आधार कार्ड है, ना तेरे पास संसा, ना तेरे पास पासपोर्ट है, तो तेरी वीजा राशन कार्ड बनवा दे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार, ऐसी कोई बात करते डैडी, पता नहीं कैसा बिंगा बोला सा था ये। हाँ पोनी खराब कर दी, पोनी खराब कर दी डैडी जी, मेरी पोनी खराब कर दी। बिट्टू नेक्स्ट देख। हेलो नेक्स्ट। कौन है बिट्टू? बड़म बम बम बड़म बम बम बड़म बम 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 लहरे, बड़म बम बम बड़म बम बम बड़म बम 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 लहरे, जहाज दवा दो टिकट दवा दो, जहाज दी भी सैर करा दो, पीआर लवा दो, ब्याह करवा दो, करे कर दी करे करा दी, करे करा दी करे करा दी, नौकरी दवा दो, डॉलर कमा दो, घर बनवा दो, कर बनवा दो, बड़म बम बम बड़म बम बम बड़म बम 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 लहरे। वाह 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 बाबाई। डैडी मेरे को ये लेके दो, मेरे को नहीं बताओ, मेरे को ये लेके दो। बेटा जी चंचन वाला खिलौना थोड़ी है, बाबा जी है। सत श्री अकाल बाबा जी। बाबा जी सिट हो जाओ सिट हो जाओ। बाबे ने बाहर जाना है बेटा, बाहर भेजते हैं, बाहर भेजने तो बैठे हैं, रंगीला ट्रैवल एजेंट आपकी जिंदगी में रंग भर दे। बाबा जी हम ये बताओ आपने कौन सी कंट्री जाना है? रशिया, जापान, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई जाना है जी। बाबे ने दुबई। बम 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 बम
पापा जी आपकी फ्री में टिकट, बिल्कुल फ्री में वीजा। हाँ। आपका एक पैसा नहीं लगना, बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना। यस। बोलो बच्चा बोलो। पापा जी हमारे पास 3-4 बंदे हैं, उनको अपने जैसा सेटअप कराएंगे, अपनी जैसी ड्रेस पहनाएंगे, अपना मंत्र शंत्र जो बता रहे हो वो सिखा देना है। बम बम बम। आपको साथ उनके भेज देना है। आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। कबूतरबाजी करा रहे हो, कबूतरबाजी? नहीं 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 बिट्टू बेटे बता। नहीं नहीं अंकल जी, बब्बा जी, हम ऐसा कुछ नहीं करते जी, हम तो बड़े स्पष्ट आदमी हैं, हम तो आपका फायदा करा रहे हैं। पापा जी 5 लाख पर पर्सन देंगे आपको। बाबे दे ना सेटिंग करा दो, 5 लाख हर एक बंदे का दवा दो, कबूतरबाजी बाबे ना करा दो, दड़म दम दड़म दड़म दम दड़म दम दम दम। 5 लाख रुपया पर पर्सन आप मेरे को दोगे बंदे को बाहर लेकर जाने के लिए? हाँ, अब मेरे को सही इन्फॉर्मेशन मिली। 1 मिनट खड़े, बाबा जी ने गिफ्ट दिया जड्डी। हाँ जी हाँ जी, सीबीआई, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। ये दोनों प्यो पुत्र जो फर्जी यहाँ पर बैठे, रंगीला एंड सन्स, इन्होंने यहाँ पर कबूतरबाजी का काम शुरू किया हुआ है, अपनी टीम लेकर पहुंच जाइए यहाँ पर। आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, ओके, ओवर एंड आउट। बाबा ये ऊपर फोन कर रहे थे? ये बाबा बाबा कुछ नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम सीबीआई। आपका पर्दाफाश हो चुका है। बाबा जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम है रंगीला, मैं और मेरा बेटा भाग भी बहुत अच्छा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब बाहर इसलिए जाना चाहते हैं, या आज की यूथ इसलिए फॉरेन जाने के लिए अट्रैक्टेड है, या इसलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बिकॉज दे फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, दे फाइंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर देयर, दे फाइंड बेटर सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ओवर देयर, और जेंडर इक्वेलिटी और इस जैसी बहुत अदर इनसिक्योरिटीज को भी वहाँ पे बेटर एड्रेस किया जा रहा है। और तो और आजकल एक और सोच चली है कि यूथ को लगता है कि पता नहीं मैं इंडिया में वांटेड भी हूँ कि नहीं। सो इस तरह की जॉब से जनरली हम प्रेरित होके बाहर जाने का डिसीजन ले रहे हैं, पर मेरा आपको सजेशन ये है कि डू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर सेल्फ वेदर यू आर ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर और अ सोशलिस्ट कल्चर, उसके हिसाब से डिसीजन लें, बिकॉज योर कंट्री ऑल्सो नीड्स यू, और आप जैसे अच्छे ब्रेन ही इंडिया में काम करेंगे तो इंडिया ही वर्ल्ड गुरु बनेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा शो दिल से वाह। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू नेक्स्ट वीक सैटरडे 8 PM।